आज हमारे साथ मौजूद है फिल्म मेकर महेश भट्ट और उनकी साहबजादी पूजा भट्ट जी। आज उनका एक फिल्म है डैडी, जिसका आज स्क्रीनिंग यहाँ पे की जा रही है, ड्रामा उसका हिंदी में रूपांतरण यहाँ किया जा रहा है दिल्ली में। तो इन्होंने सर आज जो ड्रामा किया गया उसमें बेसिकली स्ट्रगल किया है अल्कोहल को कैसे छोड़ना है, बेटी और बाप के रिश्तों को लेकर, उस पर कुछ अगर आप बोलना चाहिए। ये हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है डैडी, 89 में हमने शुरू की थी और जो 89 में ही समाप्त हो गई और फिर उसका टेलीकास्ट हुआ। पूजा ने अपना डेब्यू उसमें किया था और बहुत कामयाब थी और उसका प्ले हमें फॉर हमने इसलिए दिया क्योंकि हमारे जो राइटर्स हैं और हमारे जो मित्र हैं मिस्टर इमरान साहब, उनको लगा थिएटर के माध्यम के लिए ये कहानी बहुत सही है और क्योंकि उसमें कुछ ज़िंदगी की सच्चाई है तो वो हमने दोबारा उसको पेश करना सही समझा और आज वो चंडीगढ़ के बाद में और रांची के बाद में यहाँ दोबारा स्टेज हो। तो सर जैसा कि आपने इंट्रैक्शन में बताया कि 30 साल हो गए आपने शराब छोड़ दी, एक टर्निंग मोमेंट था आपकी लाइफ का जिसने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया, वो क्या था? बच्ची का मुँह फेरना मेरी छोटी सी शाहीन ने मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा कि उसने मुँह फेर दिया जब मैंने उसको अपने मुँह में दिया। हालांकि ये मेरा प्रोजेक्शन हो सकता है क्योंकि बच्ची कहाँ मुँह फेरेगी न्यू बॉर्न चाइल्ड, मगर उस खामोशी ने कुछ जादू कर ही दिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने इंट्रैक्शन में आपने बताया कि आपकी फादर की फुट स्टेप पे चली और उस काफ़ी हद तक उसको गिरफ्त में आ चुकी थी, लेकिन एक फादर की एक लाइन में आपको जो है फिर से रिकवर कर जी। बिल्कुल, उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं कि आपको शराब पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एक्टर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, मगर एक मैसेज आया था और वो मैसेज में उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इनफैक्ट यू आर दी ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड वर्थ लविंग, और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो अपने आप से प्यार करना सीखो क्योंकि मैं आपके अंदर जीता हूँ। और मैंने वो शब्दों में नहीं मगर उस शब्दों के बीच में जो गैप थे उसमें मैंने एक ऐसी एक प्ली सुनी और मैंने अपने आप को उस दिन प्रॉमिस कर दिया कि मैं आज से आई विल बी द बेस्ट मी पॉसिबल। अभी इनकी तो 30 साल हो गए हैं, मेरे तो सिर्फ 18 महीने हुए हैं, बट आई फील रिबॉर्न। सर इस बीच आप दोनों में से कहीं पे आपको ऐसा लगा कि हाँ फिर से शुरू की जाए, एक मौका है, कोई देख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं? कभी कभी सपने में ऐसी हाँ मुझे भी सपना आया था एक दिन कि मैंने शुरू कर दी और मैं डर गई बहुत, मैं ऐसे जागी कि मतलब पता नहीं क्या हो गया कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैंने उनको फ़ोन किया था। आई सेड यू डोंट नो व्हाट हैपेंड बट साहब, मैंने कहा कि आज तो सपना आ गया कि मैंने 2 बियर पी ले तो सर के ये होता है सर, अब भी होता है सर, हाँ 30 साल के बाद भी होता है सर। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आलिया भट्ट के लिए, जवाब दूंगा अभी क्योंकि आलिया भट्ट की जिंदगी के बारे में आलिया भट्ट बोलेंगे। हाँ एग्जैक्टली, वो आलिया की अदा अलग है, हमारी अदा अलग है, वो जैसे जीती है वो वैसे बोलेगी या नहीं बोलेगी, हम नहीं है, हम उनकी ना पीआर है ना उनकी स्पोर्ट्स पर्सन है। आई थिंक दैट शी शुड बी अलाउड टू स्पीक फॉर हरसेल्फ। आखिरी क्वेश्चन, आप लोग इस मौजू को लेकर कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई अगला प्रोजेक्ट आप हाँ सोच तो रहे हैं? अभी हम कहानी जब मुकम्मल हो जाएगी तो बताएंगे, एक महिला के पर्सपेक्टिव से दास्तान ऐसी ही बहुत ही एंगेजिंग, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ड्रामेटिक बनाएंगे।